एक मित्र ने लिखा है, गुरुदेव एक प्रश्न हो सके तो ज़रूर लें। मेरी सजगता तो निस्संदेह बढ़ रही है, पर साथ ही साथ मेरे भीतर अनजाने विचार मेरी सजगता को खंडित करते रहते हैं। कभी कभी एकदम से विचार हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो बोल रहे होते हैं वो मिस हो जाता है, और फिर वीडियो पीछे करके सुनती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प मी। देखो, कभी कभी अनजान कारणों से भी मन में विचारों की हलचल पैदा हो जाती है। तुम इतना ही कर सकती हो कि उनसे लड़ाई मत लड़ो। जो विचार एकदम से हावी हो जाते हैं, उनको बस तटस्थ होकर देखो। धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे। ये एक टेम्परेरी स्थिति है, और ये टेम्परेरी स्थिति हमेशा बीत जाती है, ये अस्थाई होती है। लेकिन अगर इसमें उलझ गए, उसको सॉल्व करने में लग गए, तो वो बढ़ भी सकती है, लंबी हो जाती है। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे नदी का पानी गंदा हो जाए और फिर तुम उसमें उतर कर ही उसको साफ करने की कोशिश करो। ये बुद्ध का बड़ा प्रिय उदाहरण था। वो अक्सर देते थे कि व्यक्ति का चित्त ऐसा ही है जैसे नदी में मिट्टी आ गई हो, गंदगी आ गई हो, और कोई सोचे कि इसको हम साफ करें और फिर नदी में उतर कर उस पानी को हिलाए, साफ करने की कोशिश करे, तो कभी साफ नहीं होगा। तो क्या करें? वो उसके किनारे बैठे, शांत होकर, तटस्थ। तटस्थ का अर्थ तट पर स्थित। और फिर धीरे धीरे पानी बह जाएगा, गंदगी बैठ जाएगी, नदी साफ हो जाएगी। तो विचारों की जो नदी है वो भी ऐसी है। कभी कभी अज्ञात कारणों से भी उसमें हलचल पैदा हो जाती है। कारणों को जानने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम कारणों का पता लगाओ कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है उससे तुम्हें परेशानी है, और उस परेशानी से तुम्हें बाहर आना है, बस इतनी सी बात है। तो कुछ भी करते हुए एक तो कोशिश करो जितना संभव हो फोकस्ड होकर काम कर सको उसको करो। चाहे वो भोजन बनाना हो, भोजन करना हो, स्नान करना हो, उठना बैठना चलना हो, चाहे वो सुनना हो। अब जैसे तुमने मेरे वीडियो की ही बात करी कि सुनते सुनते चीज़ें स्किप हो जाती हैं और फिर पीछे लौटकर सुनना पड़ता है, कोई बात नहीं, सुन लो अगर सुनने का मन है पीछे लौटकर। लेकिन कभी जब विचार हावी हो जाएं तो थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करो और अपने विचारों की हलचल को ऑब्जर्व करो, देखो, बिना किसी चुनाव के देखो। ये नहीं कि ये विचार नहीं आने चाहिए, आने चाहिए, ये ठीक हैं, ये गलत हैं, ये अच्छे विचार हैं, ये बुरे विचार हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव, कोई भी लेबल नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कोई चुनाव नहीं। पूरी तरह चुनाव रहित होकर उनको ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे वो सेटल्ड हो जाएंगे, फिर तुम अपने काम करो। ये एक टेम्परेरी अस्थाई स्थिति है, इसको पूरी तरह से अपने अंदर जानो और उसके संघर्ष को हटाकर इस तरह से उन पर प्रयोग करो, तो निश्चित ही कुछ दिनों में विचारों की हलचल के साथ तुमको डील करना आ जाएगा। उनके साथ क्या व्यवहार करना है ये तुमको समझ में आ जाएगा। फिर कभी भी कोई विचार परेशान नहीं करेगा, वो आएंगे चले जाएंगे, उनसे कोई उलझाव नहीं पैदा होगा। एक बार बस तुमको ये बात समझ में आ गई कि उन विचारों की हलचल को कैसे
हैंडल करते हैं, कैसे उनको नियोजित करते हैं, तो सारी समस्या हल हो जाएगी। तो इस पर थोड़ा प्रयोग करो और निश्चित ही तुम्हें समाधान उपलब्ध होगा।